मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की घोषणा होते ही दिग्रस तहसील में महिला लाभार्थियों की बेताशा भीड़ उमड़ आई है। ऐसे में जल्द ही विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सेवक कार्यालयों में इस योजना की आवेदन जमा करने की सेवा शुरू की जाएगी। ऐसी जानकारी दिग्रस तहसीलदार डॉ. अर्जुन पावरा ने NBC न्यूज चैनल को दी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के अतिरिक्त आर्थिक संकल्प यानी बजट के तहत हाल ही में 1 जुलाई से मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू की गई है। सूत्रों के अनुसार 21 से 60 उम्र तक की महिला है इस योजना के तहत लाभ उठा सकती है, जिसके तहत प्रति महिला को प्रति महीना 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2024 तय की गई है। ऐसे में तहसील कार्यालय में दिग्रस शहर और तहसील के विभिन्न गांव से बड़ी संख्या में पहुंच रही महिला लाभार्थियों की वजह से तहसील प्रशासन तथा सेतु सुविधा केंद्र पर अतिरिक्त काम का बोझ बढ़ गया है। भारी भीड़ के चलते सेतु केंद्र सहित तहसील परिसर की जेरोक्स की दुकानों तथा तहसील कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है, जिस वजह से सुबह से शाम तक तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही शहर तथा ग्रामीण विभाग के विभिन्न इलाकों की महिलाओं में रोष व्याप्त है। नंबर लाऊं क्यों नहीं रहने दे, बच्चों को आमता नंबर कसा लगा दी है, लाइन लावर तैयार है वाम, मध्य मध्य पावती बुक कस नहीं मिलती, पावती बुक जो उधर लोकाची तो तैयार है, सिर्फ उधर आने दियो ना फाम, वाह ये यार यार खिड़की तुम क्या खिड़की क्या खिड़की तुम क्या खिड़की चाल लगा, और मुझे वो वापस कर दे, अरे लाइन लावर तैयार है पर फाम कितने कास ना, कस कार्य से वाम, फाम जो ना मर पावती दिया ना, हमें 8 दिन सारा नंतर बोला लो तो यार तैयार है, अरे लाइन तो लाओ ना जल पाई, वो लाइन तो लाओ जिन कभी तो मेरे मांग रहे हो लोका ठेवा ना, मग सांगता 2 दिवस आपण लोक ठेवत नाही, सकाळपासून 8 वाजल्यापासून बाहेर इथं आलेले आहे, आमचे फार्म घेतलेले वापस केले तर सगळे फार्म घेऊन यायचे होय ना, आम्ही 8 वाजल्यापासून बसू नाही इथं सकाळपासून आहे, सगळ्याचे फार्म आतमध्ये द्यायचे होते ना, निकल बायाने जमा केले सगळे केले पण फॉर्म भरून घ्यायचे होते त्यांना, एक एकाचे नाव घेऊ घेऊ बोला आज होते त्यांना, कसं नाव घेऊ घेऊ बोला नसतं त्यांनी कसं माहीत पडत होत काहीच नाही माहीत केलं काही ना, बाहेर कुठून बाया कुठून आहे तर नाही तर आम्ही फॉर्म घेतलाय, बायांचे बंद केलेले आहे, माणसाचे सुरळीत जीवन चालू आहे, आम्ही सकाळपासून तिथे उपाशी तपाशी बसून आहोत, लहान लेकरं येतात घरी, लहान लेकरं घरी झोपून आहेत, आमचे आदिवास काढला आदिवासी काढला सगळं तयार। महिला लाभार्थियों की समस्या पर जब तहसीलदार डॉक्टर अर्जुन पावरा से हमने बात की तब उन्होंने बताया कि तहसील प्रशासन तहसील के विभिन्न ग्राम पंचायतों और ग्राम सेवक कार्यालयों में इस योजना के आवेदन पूर्ति तथा आवश्यक दस्तावेजों के लिए सेवा केंद्र शुरू करने का प्रयास कर रहा है। 2 दिवसापासून काल आणि आज बऱ्यापैकी आपल्या तहसील कार्यालयाला खूप महिलांनी गर्दी केलेली आहे, तर आपल्याकडून जे दिले जाणारे दाखले आहेत त्याच्यात आपण देतो उत्पन्नाचा दाखला आणि अधिवास किंवा अधिवास डोमासाईट सर्टिफिकेट असे आपण 2 कागदपत्र आपल्या विभागाशी संबंधित आहेत। लोकांना होणाऱ्या अडचणी बघून आणि होणारी गर्दी टाळण्यासाठी आपण ह्या 2 दाखले त्यांच्या स्तरावरच आपण उपलब्ध करून देण्याचा नियोजन करतो आहोत। तर आपल्याकडे जेवढे CAC केंद्र आहेत त्यांची संख्या बघून आपल्या तालुक्यामध्ये टोटल गाव आहेत 82, तर प्रत्येक गावाचं एक तारीख आपण नियोजित करू कुठल्या तारखेला कुठल्या गावामध्ये त्याचा कॅम्प लागणार आहे, म्हणजे ग्राम आपलं जे पंचायतचं जे कार्यालय आहे ग्रामसेवक कार्यालय आहे त्या ठिकाणी आपण तो कॅम्प आयोजित करून जे कोणी महिला आहेत त्यांना तिथल्या तिथंच हे 2 सर्टिफिकेट उपलब्ध करून देणार आहोत, आणि बाकी राहिला ऑनलाईन सुविधा ह्या फॉर्म भरण्यासाठी तरी अद्याप अजून ऑनलाईन अजून चालू झालेलं नाही, तर त्या संबंधात संबंधित गटविकास अधिकारी आणि ह्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की त्यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर जिथं ग्रामसेविका वगैरे आहेत त्यांच्या थ्रूच हे फॉर्म वगैरे ऑनलाईन भरून घेणार आहोत आपण, तर अजून ते ऑनलाईन अजून चालू झालेलं नाही त्यामुळे त्याची प्रक्रिया अजून थांबली बाकी आहे, तोपर्यंत प्रश्न आहे कागदपत्र हे 2 कागदपत्र गोळा करण्यासाठी, तर ते संबंधित गावामध्ये आपण तसं तिथंच उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहोत। गौरतलब है कि राज्य सरकार के अतिरिक्त आर्थिक संकल्प यानी बजट में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की घोषणा
की तो गई है, लेकिन इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू कराने से पहले इसको लेकर पूर्व तैयारियों में सरकार तथा संबंधित प्रशासन विफल नजर आ रहा है, क्योंकि इस योजना के लिए फिलहाल कोई वेबसाइट शुरू नहीं की गई है। मैनुअल तरीके से इसके आवेदनों को जमा करने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें कई तरह की त्रुटियां उत्पन्न हो रही है। साथ ही 1 जुलाई से शुरू हुई इस योजना का लाभ उठाने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है, जो कि बेहद कम है। ऐसे में असंख्य लाभार्थियों को इस योजना के लाभ से वंचित रहने का डर सता रहा है। सरकार इस योजना के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराए, ऐसी मांग अब उठने लगी है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।